अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि आपने किस तरह से अपने द्रा डिजिटल स्टोर के ऊपर वेट और उसकी डिमेंशन, प्रोडक्ट की डिमेंशन सेट करनी है। क्योंकि जब आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं तो डिजिटल प्रोडक्ट की कोई भी डिमेंशन और वेट नहीं होता, क्योंकि डिजिटल स्टोर के ऊपर जो भी ऑर्डर आ रहे होते हैं वो पबजी, यूसी, वाउचर, सब्सक्रिप्शन और दूसरी चीज़ें होती हैं और इनका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती। तो इस वजह से काफ़ी सारे सेलर्स को इशू आ रहा था कि आपने उसको किस तरह से लिखना है। तो आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह आपको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो आप सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अच्छा, जिन जिन भाइयों को इशू आ रहा है द्रा डिजिटल स्टोर के लिए, अप्रूवल के लिए इशू आ रहा है, ऑथोराइजेशन लेटर के अंदर इशू आ रहा है, तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम आपका स्टोर अप्रूव भी करवा देंगे और ऑथोराइजेशन लेटर भी आपके लिए सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आना है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ लिस्टिंग को, कि मैंने वेट कैसे सेट किया, एडजस्ट किया, और उसके अलावा उसकी डिमेंशन आपने किस तरह से लगानी है। तो मैं यहाँ से कोई भी लिस्ट ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, यहाँ से एडिट पर क्लिक किया तब इस प्रोडक्ट की जितनी भी डिटेल है वो मेरे सामने ओपन हो जाएंगी। तो ये देख ले, अब हमें लास्ट पे आ जाना। अभी इसका वेट आपने लिखना 0.01। ठीक है, मतलब ये कि वेट कम से कम लिखना आपने 0.01। ठीक है, उसके बाद यहाँ से पैकेट डिमेंशन आपने 111 लिख देना, या 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लिख रहे हैं, 3 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा नहीं जाना आपने। तो इस तरह से आपने ये इसकी डिमेंशन और पैकेज वेट को वो एडजस्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, दराज के ऊपर डिजिटल स्टोर बना के उसके ऊपर फिर उसको अप्रूवल लेनी है। अगर अप्रूवल के अंदर इशू आ रहा है तो आप लोग हमसे रब्ता करें। उसके बाद अगर आपने ये पैकेज वेट और पैकेज डिमेंशन के अंदर इशू आ रहा है तो तब भी हम आपकी इंशाल्लाह हेल्प करेंगे। तो आपने ये चीज़ लाजमी देखनी है। ठीक है, इस तरह ही इसको मैंशन करना है, क्योंकि जब आपकी जो डिमेंशन और वेट कम से कम होगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आएंगे और जो डिलीवरी चार्जेज है पहली बात लगते नहीं है इसके ऊपर, लेकिन जो इसका एल्गोरिथम है वो इस तरह से बनाया गया। तो आपने इसको कम से कम एडजस्ट करना है, इस तरह से आप इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको मैं सबमिट कर देता हूँ तो ये मेरी लिस्ट है, पब्लिश हो गई है। तो इस तरह से आपने इसको एडजस्ट करना है।